अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाँ तो डॉक्टर साहब जल्दी कीजिए ना, बस हमारे राजा जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए एक बड़ी सर्जरी है जो बिना परमिशन नहीं कर सकते और ये थोड़ी रिस्की भी होगी जिसमें बचने के चांसेस 50% होंगे, तो सोच लीजिए आप। लेकिन इतना कहता हूँ अगर ये सर्जरी नहीं की तो इनकी जान जान ना के बराबर होगा। जो कर रहे कीजिए, बस बस हमारे राजा जी को बचा लीजिए प्लीज। देखिए आपको तुरंत तय करना होगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। दो मिनट दीजिए हमें बस। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। आप जिस नंबर को डायल कर रहे हैं वो इस समय स्विच ऑफ है। ये रमन जी का फोन क्यों नहीं लग रहा? घर पर कॉल करते। देखिए आपको जो करना है जल्दी कीजिए बिकॉज हर सेकंड इनकी पल्स रेट गिरती आ रही है और फिर सर्जरी के लिए हमें स्पेशल ग्रुप लाना है। जब तक आप परमिशन नहीं देंगी हम प्रोसेस नहीं शुरू कर पाएंगे। हाँ, बस बस एक मिनट। साइलेंट रहना। ये घर का भी फोन क्यों नहीं लग रहा? अगर आप इस सर्जरी के लिए परमिशन देती हैं तो प्लीज इस फॉर्म में जल्दी से साइन कर दीजिए। पता नहीं भगवान जी हम सही कर रहे हैं या गलत, इतना जानते हैं कि आप कुछ गलत नहीं होने देंगे तो आपके भरोसे दस्तखत कर रहे हैं हम। प्लीज जल्दी साइन कर दीजिए। प्लीज थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू। प्लीज भगवान जी हमारे राजा जी को बचा लीजिए। रजत रुको 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 रुको, कहाँ लेके जा रहे हो मेरे रजत को? सर्जरी के लिए। सर्जरी? कौन सी सर्जरी? वही जिसकी परमिशन इनकी बीवी ने दी थी। पर मैंने तो इन्होंने फॉर्म भी भरा है उसके लिए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे पति की सर्जरी की परमिशन दोगी? अगर रजत को कुछ हो गया तो जेठानी जी आप चिंता मत कीजिए, रजत जी को कुछ भी नहीं होगा। पर ये सर्जरी उनके लिए बहुत जरूरी है, ये खुद हमें डॉक्टर साहब ने कहा है। देख रही है मम्मी, आपने ही सर पे चढ़ाया इसे, इसीलिए इसने इतना बड़ा डिसीजन बिना किसी को पूछे बिना किसी को बताए बस ले लिया। अनमोल इतनी बड़ी सर्जरी होने जा रही है और तुमने एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा? नहीं माँ ऐसा नहीं है, हमने रमन जी को कॉल किया था लेकिन उनका फोन बंद आ रहा था। वो मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई थी अनमोल। और माँ हमने तो घर पर भी कॉल किया था पर वहाँ पर भी किसी ने भी फोन नहीं उठाया। नंदिनी की तबीयत खराब है, सब उसी में लगे हुए थे, इसीलिए किसी ने सुना नहीं होगा। पर तुम्हें किसी भी तरह हमें बताना चाहिए था ना माँ। लेकिन रजत जी की तबीयत अचानक से रात में खराब हो गई थी और वो तो सांस भी नहीं ले पा रहे थे और डॉक्टर साहब ने कहा जल्दी कुछ तय करने के लिए और उन्होंने ये भी कहा कि ये सर्जरी एक लौता मार्ग है उनको ठीक करने के लिए। माँ इसलिए बस हमने हाँ कह दिया। हाँ ये सही कह रही हैं, ये बहुत रिस्की सर्जरी है, इसमें बचने की चांसेस सिर्फ 50-50 होती है। एक चीज याद रखना, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। अभी तो तुम्हारा भाई जेल में है, उसके बाद भाई बहन दोनों जेल में बैठ के चक्की पीसना। आप लोग प्लीज साइड हो जाइए, डॉक्टर अंदर वेट कर रहे हैं। नर्स बस इतना बता दीजिए कि रजत को कुछ होगा तो नहीं ना? आपको बताया ना बचने की चांसेस 50-50 है, प्लीज इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती, मुझे जाने दीजिए। ध्यान से
अनमोल, अगर मेरे पति को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें इसी हॉस्पिटल में जिंदा काट दूंगी। सब जिंदा। निकलो यहां से। माता जी, बहुत बड़ा कदम उठाया आज हमने। हमारे विश्वास को हारने मत देना। ये आप क्या बोल रहे हैं? डॉक्टर संजय नहीं आ पाएंगे, लेकिन वही तो सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। उनके बिना ये सर्जरी पॉसिबल नहीं होगी। वो मैं नहीं जानता, पर उन्हें नेताजी के चेकअप के लिए जाना था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन उनके अलावा और कोई सीनियर डॉक्टर नहीं है जो ये सर्जरी अच्छे से कर पाए, और वहाँ पेशेंट की हालत भी बहुत खराब हो चुकी है। सर, हमें ये सर्जरी करनी होगी। क्या? नहीं, डॉक्टर संजय को ही रजत जी का इलाज करना होगा। हम नहीं जानते कैसे, लेकिन हम उन्हें यहाँ लेकर आएंगे। फिलहाल डॉक्टर प्रमोद से ही काम चलाना पड़ेगा। पेशेंट को बेहोश कर दिया है, ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। जाओ, जाकर सर्जरी की तैयारी करवाओ, वरना उसके घर वालों को जवाब कौन देगा? अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो जवाब भी तो हमें ही देना होगा ना। और सर, बिना अनुभव के डॉक्टर से हम कैसे सर्जरी करवा सकते हैं? जितना कह रहे हैं उतना करो। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। रजत जी का इलाज उसी डॉक्टर को करना होगा जो उनकी सर्जरी के लिए विशेषज्ञ है। कहाँ जा रही हैं? और एक बात बताइए हमें, जो डॉक्टर रजत जी का इलाज करने वाले हैं वो कहाँ हैं? वो आ रहे हैं, रास्ते में हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे। आपकी लड़खड़ाती हुई जबान ही बता रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। बताइए सच क्या है, वरना हम ये रुई आपके कान में डाल देंगे और कान में डाल के इसमें आग लगा देंगे। बोलिए, करें ऐसा? मैं बताती हूँ, रुक जाएगी, मैं बताती हूँ। वो डॉक्टर संजय ना, उनको मंत्री जी के वहां जाना पड़ा, इसलिए वो यहाँ नहीं आ पाए। क्या? लेकिन रजत जी के इलाज की जिम्मेदारी तो अस्पताल वाले लोगों की है ना। देखिए, अगर आप चाहती हैं कि हम इस बात को लेकर कोई हंगामा ना करें, तो आप रजत जी का ध्यान रखेंगे, हम डॉक्टर को लेकर आएंगे। देखिए नर्स, रजत जी की जान हमारे लिए बहुत कीमती है, हम उसको लेकर कोई भी जोखिम नहीं उठा सकते। प्लीज आप उनका ध्यान रखिए, हम डॉक्टर को लेकर आते हैं। हमारे रजत को मुसीबत में डाल के खुद मुंह छुपाकर भाग रही है अनमोल। अनमोल रुको, कहाँ भाग रही हो? जेठानी जी, छोड़िए हमें, हमें बहुत जरूरी काम से बाहर जाना है, छोड़िए, भाग जाओ। और अगर मेरे रजत को कुछ भी हुआ ना तो तुम बच नहीं पाओगी। कैसा है ये रिश्ता अनजाना? सोमवार से शनिवार शाम 7 बजे दंगल प्ले ऐप पर।